नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएन में। मैं हूं प्राची मेहरा और वक्त है एमकेएन की खास पेशकश का, जिसमें आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे घटनाक्रम के बारे में। दिल्ली में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सभी मंत्री विधायकों के साथ रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हुजूम को देख सीएम भूपेश बघेल उत्साहित नजर आए। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे कार्यकर्ता भूपेश बघेल के समर्थन में नारे लगाते रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम भूपेश ने कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे, छत्तीसगढ़ विकास मॉडल देखेंगे। दो दिन राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में रुकेंगे। गरीबों के लिए जो काम किया है उन्हें देखने के लिए पर्याप्त समय देंगे। सीएम भूपेश ने आगे कहा कि राहुल गांधी से विस्तार से बातचीत हुई है, राजनीति विकास समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत इस दौरान हुई। छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी उन्हें दिया गया है। कोरोना काल में 2 साल ऐसे ही निकल गया। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राहुल गांधी आदिवासी किसानों महिलाओं समेत सभी वर्ग के लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ आएंगे। वे बस्तर उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, छत्तीसगढ़ मॉडल देखेंगे। इसके साथ ही किसानों आदिवासियों महिलाओं युवाओं और गरीबों के हित में किए गए विकास कार्यों का राहुल गांधी जायजा लेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में चढ़े सियासी पारे के चलते कांग्रेस में शुक्रवार का दिन तनावग्रस्त बीता। हालांकि अगले ही दिन शनिवार को छत्तीसगढ़ सदन की सुबह खुशनुमा हो गई। ये हमारे लिए प्रसन्नता है और कार्यकर्ताओं की भावना, हमारे विधायक और मंत्रियों के भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ में भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ मॉडल देखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। तो हम लोगों ने जो किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य किया है, गरीबों के लिए जो काम किया है, यहाँ के विकास के लिए उद्योग और व्यापार जगत में जो काम किया है, सारे कार्यों से रूबरू होंगे, सभी लोगों से मिलेंगे, पर्याप्त समय राहुल गांधी जी देंगे। हम आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सियासत में जो उबाल देखने को फिलहाल मिल रहा है उस पर हम आज बात कर रहे हैं। आपको बता दें, आज ही सीएम भूपेश बघेल अपने दिल्ली दौरे के बाद रायपुर पहुंचे। वहीं रायपुर एयरपोर्ट पर इस दौरान उनके समर्थकों का हुजूम वहां पर देखा गया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। वहीं इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, अखिलेश तिवारी। अखिलेश, आज सीएम अपने दिल्ली दौरे के बाद रायपुर पहुंचे हैं। वहीं रायपुर एयरपोर्ट पर देखा गया कि काफी गर्मजोशी के साथ तमाम जो समर्थक उनके थे उन्होंने उनका स्वागत किया। और वहीं इसी उत्साह को देखते हुए सीएम बघेल खुद भी काफी उत्साहित यहां पर नजर आए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने इस काफी अहम माने जाने वाले दिल्ली दौरे के बाद? बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली दौरे की सियासत गर्माती नजर आ रही थी, अब इसमें काफी ज्यादा राहत देने वाली बात सामने आई है। कारण कुछ और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और इसके साथ साथ जो जितने भी जो विधायक हैं, महापौर हैं और जो बड़े नेता रहे हैं, खासतौर से जो 8 मंत्री गए हुए थे सभी वापस आ गए हैं। इसके अलावा टीएस सिंहदेव का जो अब 7:30 से 8 बजे के लगभग फ्लाइट है वो आने को है। इसके अलावा पहले जैसे ही भूपेश बघेल आने को लेकर के वहाँ उसके जो समर्थक है वो वहाँ उपस्थित हुए थे, वहाँ इकट्ठे होकर के नारेबाजी लगा रहे थे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। देखने को मिल रहा था कि आखिर क्या रणनीति है, किस तरीके से बनाई जा रही है। दिल्ली दौरे को लेकर के तरह तरह के बातें चल रही थी, पीएल पुनिया द्वारा किस तरीके से बयान आ रहा था, कई सवाल उठ रहे थे। सारे सवाल में एक ही नजर आ रहा था कि आखिर
कि ढाई साल का मुख्यमंत्री और ये जो सियासत है आखिर कब ठंडा होगा। लेकिन अब भी ये भी बरकरार है, ये भी बनी हुई है कि ढाई साल का जो मुद्दा है अब भी जारी है। लोगों के अंदर अब भी लग रहा है कि ढाई साल का कहीं ना कहीं कोई किस्सा है। राहुल गांधी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न्योता देकर के आए हैं और यहाँ बिल्कुल 3 से 4 दिन का दौरा रहेगा राहुल गांधी का, और यहाँ की जो योजनाएं हैं उनकी भी बात की जाएगी, किस तरीके से योजनाओं को आम तबके के लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर के बातचीत चलेगी। और जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो कल जो विधायक है और खासतौर से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और उनके जो लोग हैं उनसे किस तरह से मुलाकात की जा सकती है, इसको लेकर के बात चली। और उनका कहना है कि ढाई साल का कोई फार्मूला नहीं है और इसके साथ साथ कई ऐसे भी अहम मसले हैं जो बिंदुवार एक पृष्ठ में देखी भी जा रही है कि क्या किस तरीके से और राहुल गांधी आएंगे उसको ऐतिहासिक तौर पर किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस पर अब विचार किया जा रहा है। और ढाई साल का जो फार्मूला है उसको नकार दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। जी अखिलेश, वही ये जो घमासान है नेतृत्व को लेकर, ये घमासान चल रहा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में। वहीं ढाई ढाई साल की जो सरकार का ये जो मसला है, इस पर कई कांग्रेसी जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। क्या लगता है सीएम भूपेश बघेल का क्या कहना है कि जो मंथन दिल्ली में हुआ क्या कुछ निकल के आया और क्या खास मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई है दिल्ली में? बिल्कुल, जो विकास की बात है उसको लेकर के चर्चा की गई है। यहाँ जो बिंदु है खासतौर से आदिवासी क्षेत्र में किस तरीके से जो योजनाएं हैं उसको लाभ दिया जा रहा है और कुछ नया क्या किया जा सकता है, तमाम विषयों को लेकर के चर्चाएं चली है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है और निश्चित तौर पे ये भी जाना जा रहा है, और समर्थकों से खासतौर से एमके न्यूज ने बात की है तो समर्थकों का कहना है कि हम अपने नेता के लिए आए हैं, यहाँ हुजूम जो लगी है नेता के लिए लगी है। कारण ये है कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान नेता है और किसानों की जो संगठन है वो निश्चित तौर पे देखी गई है और जो वहाँ भीड़ जो इकट्ठा हुई है वो किसान लोगों की इकट्ठा होकर के देखी गई है, तो निश्चित तौर पे अपने नेता के लिए ही आए हुए हैं। और लगभग ये भी बताया जा रहा था कि जितने लोग आए थे वो पाटन क्षेत्र से आए हुए थे, पाटन के अलावा अंबिकापुर क्षेत्र से कई ऐसे जो तहसील है खासतौर से जो बड़े तहसील है ब्लॉक है जो विधानसभा क्षेत्र है ऐसे क्षेत्र से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो खासतौर से आदिवासी लोग भी पहुंचे हुए थे उनसे भी एमकेएन ने बात की कि क्या किस तरीके से हम अपने नेता के समक्ष आए हुए हैं और नेताओं के पास किस तरीके से अपने पक्ष को रखने की जो बात है वो चर्चा चल रही थी। तो निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि जो आपने जो समर्थक के तौर पे आए थे वो काफी ज्यादा उत्साहित थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का देख करके काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। प्राची जी, अखिलेश, जैसा कि आपने अभी बताया कि प्रदेश भर में कई क्षेत्रों से जो किसान थे और अन्य लोग थे सीएम के समर्थक यहां पर देखे गए थे, कांग्रेसी कई यहां पर थे, इसके साथ ही एनएसयूआई के भी कार्यकर्ता इस दौरान एयरपोर्ट पर देखे गए थे। क्या कुछ कहना था उनका इन तमाम ये जो मसला यहाँ पर चल रहा है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लेकर, इस तमाम चीजों को लेकर उन कार्यकर्ताओं का और उन सभी किसानों का क्या कहना था इन सभी चीजों को लेकर? बिल्कुल, किसानों का और खास तौर से एनएसवाई के जो लोग आए हुए थे और युवा कांग्रेस के जो साथी थे उनका निश्चित तौर पे एक हुजूम आया हुआ था और उनका कहना था कि हम अपने नेता के लिए आए हैं और उनका कहना है कि हम जो संघर्ष के साथी रहे, जैसे झीरम घाटी को याद किया गया, झीरम घाटी में तमाम जो बड़े नेता थे उनकी समाप्ति हो गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही थे जो इसके उठाने वाला, अगर कांग्रेस को उठा करके छत्तीसगढ़ में लाने वाला कोई है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल था, इसी को लेकर के चर्चा हुई। और निश्चित तौर पे ये भी बात सामने आ रही थी, उनसे लगातार पूछ रहे थे कि क्या किस तरीके से अपने नेता का समर्थन करने के लिए आप लोग कहाँ कहाँ से पहुंचे हुए हो, तो निश्चित तौर पे उनका जवाब आया कि हम अपने नेता के समर्थन में पहुंचे हुए हैं और समर्थन के साथ साथ और अन्य जो दूरांचल के जो लोग आए हुए थे उनका भी कहना है कि हम जो जैसे ही राहुल गांधी आएंगे उसका जो स्वागत है उसको विस्तार रूप से करेंगे और भव्य ऐतिहासिक भी स्वागत होगा। और इसी कड़ी में कई ऐसे भी मुद्दे निकल करके सामने आ रहे थे कि कहीं टकराव का केंद्र बिंदु ना बन जाए, क्योंकि ये भी स्थिति देखी जा रही थी कि कई ऐसे भी है जो अंबिकापुर से आए हुए थे तो
कहीं ना कहीं अंबिकापुर वाले जो टीएस सिंहदेव के समर्थक में हो सकते थे या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक में पाटन क्षेत्र से आए हुए थे, उसके विधानसभा क्षेत्र से आए हुए थे, तो कई ऐसे भी सवाल मन में उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ विरोधाभास तो ना हो जाए, कहीं वहाँ विवाद की स्थिति पैदा ना हो जाए। लगातार पुलिस बल की तैनाती की गई थी कि कोई इस तरीके से उदंडता ना कर दे, तो तमाम तरह के जो सवालात हैं वो मन में तो था ही, लेकिन ये खुशी वाली बात है कि वहाँ जो खास तौर से जो युवा कांग्रेस के जो लोग पहुंचे हुए थे और जो उनके समर्थक पहुंचे हुए थे, निश्चित तौर पे शांति का संकेत देते हुए अपने नेता को बकायदा लेकर के गए, ये खुशहाली वाली बात देखी गई। जी जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ये जो कांग्रेस का घमासान चल रहा है वो अभी टला नहीं है, अभी भी बरकरार है। वहीं इसी मुद्दे को लेकर आपको सुनवाते हैं कुछ अन्य जानकारी जो कि हमें यहाँ पर मिली है। विधायकों का आना सिलसिला चालू हो गया है और कई ऐसे विधायक हैं जो यहाँ आ करके चालू है। इसके अलावा जो कई ऐसे भी जो नेता हैं वो यहाँ तौर पे पहुँच चुके हैं। और सीधा आप दिल्ली गए हुए थे, क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या क्या बातें हुई, आप लोग वहाँ पर लोग पूरा संगठन हो करके वहाँ पहुँचे? देखिए मैं, हम सभी महापौर लोग गए थे, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय पुनिया जी, आदरणीय राव साहब, इन सबसे हम लोग मुलाकात करें। और हाई कमान ने जो भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उन कामों पर हाई कमान ने मोहर लगा दी है। और जो ये बार बार अटकले लगाए जा रहे थे, ये बार बार सगुप्ते छोड़े जा रहे थे, पूरे तरीके से इसमें विराम लग गया है। भूपेश बघेल पूरे लगातार अब 5 साल यहाँ पर सीएम का पद संभालेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर राहुल गांधी जब आएंगे तो उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे और स्वागत इस तरीके से भव्य रूप से हुआ होगा। तो दिल्ली दौरा करके आ गए हैं, क्या स्थिति रही दिल्ली में? बहुत अच्छा रहा। छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। उनका तो आदत है झूठा मुकदमा केस करने का, पहले मंत्री थे तब 10-10, 15-15 मुकदमे करते रहते, तब भी करेंगे। लगातार विवादों में रहने वाले बृहस्पत सिंह, आज फिर से एक विवादित फिर से बयान भी जारी हुआ है, क्या किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि रामविचार नेता ने FIR दर्ज भी करा दिया, आप दिल्ली के दौरे से भी आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय? मेरे ख्याल से जानकारी को अप टू डेट कर लिया जाए, उन्होंने कोई FIR नहीं हुए हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया है कार्रवाई करने के लिए और पुलिस जाँच करेगी। और कोई भी किसी खिलाफ भी आता है सीधे FIR नहीं होता है, उसको जाँच करते हैं, अगर विवेचना में सही पाया जाएगा तब पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। क्या आप लोगों को दिल्ली बुलाया गया था, क्या निर्णय? दिल्ली का दौरा सार्थक रहा है। हम पूरे छत्तीसगढ़ के विधायकगण विगत 1.5 सालों से कोरोना काल और 1 साल चुनावी वर्ष रही, 2.5 सालों में मुलाकात नहीं हुई थी, तो एक लंबा दौर था। छत्तीसगढ़ के विधायकगण सारे लोग जाके अपने आला कमान हमारे प्रभारी जी से और हम प्रभारी जी के माध्यम से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, तो छत्तीसगढ़ की जो योजना है, छत्तीसगढ़ में जो काम काज हो रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं को हमने अवगत कराया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया और सहृदय राहुल गांधी ने स्वीकार किया और बहुत जल्दी 1 सप्ताह के भीतर राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आला कैमरा पर्सन छन्नू के साथ अखिलेश तिवारी, NK न्यूज, रायपुर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं यहाँ और उनके जो समर्थक है, खासतौर से पाटन क्षेत्र के जो कुछ लोग आए हुए हैं वो लोग भी हैं। इसके अलावा देखा जा रहा है कि यहाँ की जो बड़ी तादाद में जो संख्या यहाँ उपस्थित हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा ये बात को साबित भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदर्शन है उसको भी लेकर के नियमित रूप से किया गया है। और एक रणनीति के तहत यहाँ जो कुछ लोग पहुँचे हुए हैं वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जिससे कहाँ से आए हुए हैं आप? अंबिकापुर से। किसके समर्थन में आए? भूपेश बघेल जी हमारे नेता हैं, उनके समर्थन में आए हुए हैं। अंबिकापुर से कितने की संख्या में आए हुए? हम लोग यहाँ पे 500 की संख्या में लोग आए हैं अंबिकापुर से। बिल्कुल निश्चित तौर पे अंबिकापुर से जो TS सिंहदेव हैं उनके भी गढ़ से आए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में आए हुए हैं। निश्चित तौर पे आप कहां से आए हुए हैं और किसके समर्थन? अंबिकापुर सरगुजा से आए हुए हैं हम, माननीय भूपेश बघेल के समर्थन में आए हैं और माननीय अमरजीत भगत जी के समर्थन में आए हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। गरीब, दीन दुखियों, खासकर किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया में जो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री का जो अवार्ड मिला है, वाकई भूपेश बघेल के कार्य करने का तरीका। अंबिकापुर से आए हैं, आप भी अंबिकापुर से आए हैं, 2.5-2.5 साल का फार्मूला चल रहा है, क्या लगता है? क्योंकि अब हाईकमान जारी कर दिए हैं जो आदेश,
उसके बाद पुनः राहुल गांधी के आने का समय हो गया, क्या लगता है? पूरी तरह से गलत है, कांग्रेस को बर्बाद करने का कदम है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति होगी। भूपेश बघेल के जैसा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को अभी तक नहीं मिला है और हम लोग कदापि नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ऐसे मुख्यमंत्री को बदले जो बेदाग है, जनता के दिल में बस गया है और इतना बढ़िया काम कर रहा है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए, सबको लिए कर रहा है। कोई भी कहीं से उंगली नहीं उठ रही है। ऐसे मुख्यमंत्री को बदलना मेरे दृष्टि से एकदम गलत है। तो सुना आपने, क्या कहना है जो तमाम विधायक और महापौर जो दिल्ली दौरे पर गए थे, इसके साथ ही जो कांग्रेस के यहाँ पर सीएम भूपेश के जो यहाँ समर्थक थे उन्होंने भी अपने दल की बात यहाँ पर कही है और वे सभी यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सीएम फिर से जो उनका उनके नेतृत्व में ही यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर है, भूपेश के ही सीएम भूपेश के ही नेतृत्व में यहाँ पर सरकार आगे रहे। वहीं इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो हेड विभाष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी विभाष जी, हेलो, विभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभाष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो विभाष जी, क्या आप तक स्टूडियो से आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आपके पास पहुंच पा रही है। जी विभाष जी, छत्तीसगढ़ में नेतृत्व को लेकर जो घमासान चल रहा था, भूपेश बघेल जो हैं सीएम हैं वो लौट चुके हैं अपने दिल्ली दौरे से, कई बातें उन्होंने यहाँ पर कही है, राहुल गांधी के साथ भी कई के कभी यहाँ पर मंथन हुआ है, कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, क्या लगता है आपको जो तमाम अटकलें जताई जा रही थी किसी बड़े फैसले को आने को लेकर, क्या कहीं ना कहीं वो कुछ वक्त के लिए टलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? चूंकि भूपेश बघेल जी ने जो बात राहुल गांधी को बताई है तो यही है कि उन्होंने 2.5 साल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलने की कोशिश की है ना जी। और उन्होंने ये कहा है कि हमने बहुत सारी योजनाएं ऐसी शुरू की हैं जैसे कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और गांव के विकास को लेकर के, किसानों को लेकर, आदिवासी विकास को लेकर के, तो अगर वो 2.5 साल में भी वो योजनाएं आधी अधूरी हैं या कुछ चल रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक आगे अंजाम तक ले जाना होगा। जैसा वो भूपेश बघेल जी बता भी रहे थे मीडिया को कि उन्होंने राहुल गांधी को बहुत विस्तार से अपनी सारी जानकारी दी है और इसीलिए राहुल गांधी खुद छत्तीसगढ़ आकर इन चीजों को देखना चाहते हैं कि अगर ये तस्वीर 2.5 साल में एक कांग्रेस की सरकार ने पेश की है तो इसे अंजाम तक तो पहुंचाना होगा। जी जी विभाष जी, वहीं भूपेश बघेल का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है और संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और तमाम यहां पर जो विकास कार्य हुए हैं उसका अवलोकन, उसका आकलन भी यहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी आकर करने वाले हैं। क्या लगता है कि उनके दौरे के बाद में कहीं ना कहीं यहां पर जो फैसला, कोई बड़ा फैसला लिए जाने की जो अटकलें अब तक लगाई जा रही थी, क्या उनके इस दौरे के बाद में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर? अभी तो यही समझ में आता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी कार्य करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने 2.5 साल में जो काम किया है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने है और वो देश के भी सामने है। देखिए कई विभागों में उन्होंने जो काम किए हैं तो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभागों ने भी छत्तीसगढ़ को अनेक ऋषियों में पुरस्कार दिए हैं। ये इस बात से साबित होता है कि उन्होंने यहाँ जो भी पिछले 18-20 साल में काम हुआ उसमें एक नया विजन, एक नए दृष्टिकोण से कुछ तो किया है और ये इसको आसानी से इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस के हाईकमान के सामने इस बात को रखा है और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे थे मीडिया के सामने तो मुझे लगता है कि हाईकमान के नेता भी उनसे कन्विंस हुए हैं, तभी तो ये बात यहाँ तक टाली गई और अब राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने को तैयार हो गए। ये एक बड़ी बात है।
जी विभाजी, वहीं यहां पर देखा गया कि एयरपोर्ट पर जब अपने दिल्ली दौरे से सीएम वापस लौटे तब बड़ी संख्या में यहां पर उनके समर्थक यहां पर थे, वहीं काफी जोश उनमें देखा गया। वहीं इसके साथ ही जो सीएम थे वो आने के बाद इस स्वागत को देखते हुए वे भी काफी उत्साहित हो गए थे। तो क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या प्रभाव, इसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्या ये सीएम बघेल का किसी ना किसी तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आप इसे देखते हैं? जी निश्चित रूप से, देखिए एक बात है कि भूपेश बघेल जन नेता है जी, और एक जन नेता को यही बात है कि एक आम आदमी को यह लगता है कि भूपेश बघेल जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से काम कर रहे हैं, उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। ये जो जनता में विश्वास उन्होंने पैदा किया है जी, पिछले 30-35 साल की राजनीति का जो निचोड़ है वही आज मुख्यमंत्री के रूप में उनके सामने जो दिखाई देता है, जिसको आप शक्ति प्रदर्शन शब्द इस्तेमाल करें, इसलिए कि राजनीति में यह शब्द इस्तेमाल होता है कि हर नेता शक्ति प्रदर्शन करता है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए, वो जनाधार भी तो चाहिए, वो जनाधार उनके पास था, उन्होंने उतने विधायक उनके उनके मंत्री सब लोगों को लेकर के दिखाया, और आज जो उनके बाकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी वहां जाकर यही ये बताना चाहते हैं कि उनका विश्वास इस नेतृत्व पर है। जी जी विभाषी, वहीं ये जो पूरा घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में चल रहा है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, आगे आने वाले समय में क्या किस तरीके से क्या बदलाव आपको नजर आता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो सरकार है या जो सत्ता परिवर्तन या इन तमाम ये जो अटकलें हैं, इसे देखते हुए आप पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि अभी चूंकि कांग्रेस हाईकमान ने सीएसएनडीओ जी को क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया है, उसकी जानकारी हमारे पास तो नहीं है, और ये पता चला है कि शायद कल वो भी यहाँ रायपुर आ जाएंगे, तो अगर इनकी ऐसी कोई बातचीत हुई होगी कि 2.5 साल के लिए सत्ता मिलेगी, लेकिन अब चूंकि भूपेश बघेल ने बड़ा काम कर दिया है अपने 2.5 साल में, तो भले ही वो 2.5 साल पहले कभी बात कही गई हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान से भी एक ओबीसी के बड़े नेता को इस तरह से अचानक हटा देना और छत्तीसगढ़ की राजनीति को किसी और नेता के हाथों में सौंप देना, भले उस वक्त वो एक कमिटमेंट किया गया होगा 2018 में वो बात अलग है, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस हाईकमान इस स्थिति में नहीं है कि वो भूपेश बघेल जी को सीधे हटा दे और एक नए व्यक्ति को सीएम बना दे, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है उसकी उसकी जो उसकी बात है, उसकी राजनीति है, उसका प्रभाव है, वो तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बाकी राज्यों में देखने को मिल रहा है। देखिए भूपेश बघेल का उपयोग अन्य राज्यों के भी चुनाव में किया जा रहा है, वो एक ओबीसी के बड़े नेता तो बन गए हैं, इस बात से इनकार किया नहीं जा सकता, इसलिए कांग्रेस हाईकमान ये फैसला लेगी तो बहुत मुश्किल से लेगी कि भूपेश बघेल जी को हटा दिया जाए या किसी और मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हाँ ये जरूर हो सकता है कि सीएम सिंधु का कद बढ़ा दिया जाए, ये हो सकता है उन्हें डिप्टी सीएम बना दें, उन्हें कुछ और अधिकार दे दें, उनके पास और विभाग दे दें और उनकी बात भी मतलब रखी जाए, उनको राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेतृत्व दे दिया जाए, ये हो सकता है, और उन्हें भी समझना पड़ेगा, वो कहते हैं कि हम कांग्रेस के लॉयलिस्ट हैं, हम कांग्रेस हाईकमान का कहना मानते हैं जी, हम कभी भी उनके निर्देश के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, ये तो वो भी कहते हैं जी। तो एक अच्छा नेता जिसमें से काम करता है, देखिए जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस का भला चाहेगा जी, तो कांग्रेस हाईकमान उनको इसी बात से कन्विंस कराए कि आप भी पार्टी का भला चाहते हैं तो आज भूपेश बघेल जी को रहने दें, और फिर जब आपको कभी हम दूसरी जिम्मेदारी देते हैं उसको आप अच्छे से निभाइए, ठीक है उसमें कहा गया था 2018 में कि 2.5 साल के लिए रहेंगे, लेकिन आज पार्टी की जो स्थिति है, दूसरे राज्यों में चुनाव होना है, तो ये कोई भी जो बड़ा नेता कन्विंस कराता है किसी नेता को तो ये तो बातचीत समझी जा सकती है ना कि ये ऐसा होगा जी। जी जी शुक्रिया विभास जी तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि लंबे समय से मुलाकातों का दौर चल रहा था और कई मंथन यहां पर इस दौरान हुए हैं, कई नेता दिल्ली पहुंचे, सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे, टीएस सिंहदेव भी दिल्ली पहुंचे, यानी कि मंथन काफी ज्यादा हुआ है। राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी के साथ भी इस दौरान मुलाकातों का जो दौर था वो जारी रहा है। आज सीएम बघेल जो हैं वो अपने दिल्ली दौरे के बाद में रायपुर लौट चुके हैं, वहीं उनके जो समर्थक थे उन्होंने काफी गर्मजोशी के साथ उनका यहां पर स्वागत किया है, लेकिन जो अटकलें जताई जा रही थी, सामने देखा जा रहा था कि किस तरीके से कोई बड़ा फैसला आएगा, वो अब तक ये फैसला लंबे समय के लिए फिलहाल के लिए टल गया है, लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी के दौरे के बाद किस तरीके से ये जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो किस मोड़ पर आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए एमकेएन की पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।